हेलो व्यूअर्स, बाय ड्रिंक में आपका स्वागत है। यहाँ हम सीखेंगे बाय टेक के कुछ नए नए टॉपिक्स। इस वीडियो के साथ नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये वीडियो इंग्लिश और तेलुगु में भी अवेलेबल है। और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। कॉमन डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि हमने ये टेक्नोलॉजी क्यों स्टार्ट किया, हमने हमारे पास क्यों ऐसा टेक्नोलॉजी बनाने की जरूरत पड़ी हमें। ठीक है, तो आप लोग को सबको पता होगा कि हमारे बॉडी में जीन्स होते हैं, राइट? ये जीन्स आपके किससे बने होते हैं? डीएनए से। ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके कोई भी एक फिनोटाइपिक इफेक्ट। ठीक है, अब तक यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि हमें हमारे बॉडी में जीन्स होते हैं जो कि कुछ एक फिनोटाइपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सेंट्रल डॉग्मा आपने पढ़ा होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बारे में आपको जानकारी होगी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू। ठीक है, अब ये जो डीएनए जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, ये डीएनए हमेशा सेमी कंजर्वेटिव वे के थ्रू रेप्लीकेट करता है। ओके, इसकी जो रेप्लीकेशन होती है ये सेमी कंजर्वेटिव होती है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब ये एंश्योर करता है कि जीन्स जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन को आती है उसमें ज्यादा चेंजेस ना हो और ये जीन जो है वो स्टेबल हो। ताकि जो भी फिनोटाइप्स हैं वो स्टेबली कंट्रोल हो सके हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट जेनरेशन के लिए। ठीक है, पर कभी कभार क्या होता है कि जीन्स में वेरिएशंस आते हैं थ्रू म्यूटेशंस, और ये होता है नेचुरली। ठीक है, जब भी ये म्यूटेशंस नेचुरली होती हैं, ठीक है, ये क्रिएट करते हैं वेरिएशंस इन जीन। पर ये वेरिएशंस हमारे इम्प्रिसाइज होते हैं। वेरिएशंस क्या होते हैं? इम्प्रिसाइज होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, आप इसे यूज नहीं कर पाते हो। ये वेरिएशंस के बारे में आप अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाते, अच्छे से जान नहीं पाते। ठीक है, तो इसे इस सारे चीजों को, वेरिएशंस को जानकर, उससे कुछ अच्छा नोवल अगर कुछ होता है उसे हमें यूज कर सके, इसलिए शुरुआत हुई है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। ओके, आपको समझ में आया बहुत आसानी से कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं किसी भी एक डिजायर्ड जीन का। सबसे पहले आपको क्या चाहिए यहाँ पे? डिजायर्ड जीन। ठीक है, ये डिजायर्ड जीन क्या होता है? ये डिजायर्ड जीन बनती है आपके दो अलग अलग डीएनए के थ्रू। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इसमें दो अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके थ्रू जो डिजायर्ड जीन होता है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं और एम्पलीफाई करते हैं। और क्यों हम करते हैं? हमारी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है हमारी सबसे पहले लार्ज स्केल प्रोडक्शन। किसकी? लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन। प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन। उस जीन में जो प्रोटीन है उसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन, या हम देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ द जीन लीडिंग टू फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट। ओके, लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ अ फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक। कितनी आसानी से हमने देख लिया कि हमें सबसे पहले हम क्यों हमने शुरू किया, ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और फिर उसे उसे हम क्यों करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक होता है जिसे कि हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। ओके, ये होता है हमारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। अब ये रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल क्या है? आपके पास सपोज एक क्लोनिंग वेक्टर है। अब आपको एक डिजायर्ड जीन को उस वेक्टर में डालनी है,
तो जब आप एक डिजायर्ड जीन को एक वेक्टर में आप डालते हो, तो ये बनाता है रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। सो हम इसे आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस, और ये जो फिर रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल है, इसके साथ हम आगे क्या करेंगे, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एक क्लोनिंग वेक्टर है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ क्लोनिंग वेक्टर, और हमारे पास एक टारगेट जीन है, ओके, टारगेट डीएनए या जी। अब हम इस दोनों को क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास क्या बनता है, एक क्लोनिंग वेक्टर विथ द टारगेट जीन। देखिए, जब भी आप प्रैक्टिकली करते हो तो प्रैक्टिकली आपके चांसेस होते हैं कि आपको दो अलग अलग मिले, या तो ये पूरा डायरेक्टली आपका क्लोन, मतलब जो वेक्टर है टारगेट डीएनए वो इंसर्ट नहीं होगा, या फिर एक इंसर्ट के साथ मिलेगा। तो जो इंसर्ट के साथ मिलता है उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल, जो कि जस्ट अभी हमने देखा, और जिसमें आपकी इंसर्ट प्रेजेंट नहीं होती है उसे हम कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। अब हमें चाहिए एक होस्ट सेल, राइट। अब आप ये जो भी जी डीएनए है ये कहाँ पे आपका जाएगा, एक होस्ट सेल में, वहीं पे आपका ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया एक होस्ट सेल, ठीक है, और इस होस्ट सेल की अपनी क्रोमोसोम होती है, क्या होती है, अपनी क्रोमोसोम, ओके। अब ये होस्ट सेल में भी हमारा या तो मॉलिक्यूल इंसर्ट हो गया या फिर वो बिना इंसर्ट के रह गया, ठीक है। जब ऐसी होती है तो हम इसे दो टाइप के कहते हैं, एक हो गया आपका ट्रांसफॉर्म्ड सेल, जिसमें कि आपके होती है, इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड, FORME, ट्रांसफॉर्म्ड सेल, या नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल, दो तरह की होती हैं, ठीक है। अभी हमने जस्ट क्या किया, जो भी हमारी जो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल है उसे हमने होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया। चलिए वो स्टेप भी हम अच्छे से लिख लेते हैं, इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट सेल, इनटू होस्ट सेल। और ये जो आपका ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, इसे अब हम क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, एम्पलीफिकेशन। अब ये एम्पलीफाई होने के बाद इसके प्रोडक्ट्स को हम इसमें से हमारे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो लेंगे हम, और प्यूरिफाई करके उसे रिकवर करेंगे। अब जितना शॉर्ट मैंने यहाँ पे प्रोसेस दिखाया है वो उतनी शॉर्ट प्रोसेस नहीं होती है, हर एक-एक स्टेप में आपके एक-एक प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसके लिए आप एक-एक स्टेप के लिए आप बहुत सारे कुछ करने होंगे, ओके। जैसे कि सबसे पहला स्टेप हो गया आपका क्लोनिंग वेक्टर, सो आप क्लोनिंग वेक्टर को पता करोगे कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्लोन करना है तो उसके लिए मैं कैसा वेक्टर लूंगा। अब वो क्लोनिंग वेक्टर लेने के बाद आपको टारगेट डीएनए को उसमें इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए होते हैं आपको, तो आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहाँ से लेके आओगे, कौन से के लिए कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे, और आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करोगे तो वो कैसे ज्वाइन होगा। अब आपको मिला एक रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल, अब इस रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल को आपको इंड्यूस करना है होस्ट सेल पे, तो इंड्यूस करने के लिए आप पहले देखोगे कि कौन सी होस्ट सेल हमें चाहिए और उस होस्ट सेल को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसे हम कैसे डालेंगे, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल को होस्ट सेल के अंदर कैसे डालेंगे हम। रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल को एक बार हमने होस्ट सेल पे डाल दिया तो अब हमें चेक करना है कि ये गया या नहीं गया, हमारी जो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल है वो आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है। अब उसके बाद ये एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं, ये एक्सप्रेस करने के बाद हम इसे जब एम्पलीफाई करते हैं तो हमें जो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो करेक्ट प्रोडक्ट हमें मिला है कि नहीं। तो ये सारे स्टेप्स को हम हमारी अपकमिंग वीडियोस में जानेंगे, ठीक है। बने रहिएगा हमारे साथ ताकि आप और भी जान सके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। ये था आज का टॉपिक,
आपने कुछ नया सीखा होगा। और ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बायो ड्रंक। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।